अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू की कुछ बड़ी खबरों पर। एक दिन स्थगित रखने के बाद एनएचएम कर्मियों की हड़ताल फिर से शुरू। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बताया मायूसी भरा। एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का सातवें दिन भी प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। एक दिन स्थगित रखने के बाद एनएचएम कर्मियों की हड़ताल फिर से शुरू। बोले पुलिस के कहने पर हड़ताल की थी स्थगित, लेकिन अब प्रदर्शन स्थल पर लटका दिए गए हैं ताले। हमने खुद ही इनके मतलब पुलिस वालों ने हमें बोला था कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। एक दिन के लिए हमने अपनी जो थी स्ट्राइक थी कॉल ऑफ की, तो आज फिर इन्होंने वहाँ पे ताला लगाया, हमें वहाँ पे बैठने नहीं दिया इन्होंने, तब हम आज यहाँ रोड पे यहाँ पे आए हैं। कोई बात नहीं की, सिर्फ ये है कि हमने जो हमारे जम्मू के लीडर्स हैं, हमने उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएँगे, लेकिन हमारी बात उन्होंने वहाँ तक नहीं पहुँचाई। आगे का जो भी होगा ऑन स्पॉट होगा। अब यहाँ पे आए हैं, देखो यहाँ पे आप ऑन स्पॉट आए हैं, यहाँ पे भी ऑन स्पॉट है, यहाँ पे भी हमें नहीं दे रहे थे। आगे जो होगा ऑन स्पॉट ही होगा। अभी वो अपना ही है। सर से फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो डिमांड है हमें कंटिन्यू करें। आज हमें 19 दिन हो गया रोड पे सड़कों पे बैठते हुए, लेकिन आज तक हमने कल ये सोचा था कि हमारे पीएम। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बताया मायूसी भरा। कहा पीएम मोदी की रैली से लोगों के हाथ लगी निराशा, क्योंकि पीएम ने जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं किया कोई ऐलान। आगे हमें ऐसी निराश मिला कि जम्मू कश्मीर के आज लोग जो है निराश हो चुके हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने ये सोचा था कि हमारे लिए जो एक पैकेज अच्छा सा पैकेज देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जब से हमारी जो स्टेट टूटी थी मोदी साहब का पहला दौरा था यहाँ, तो हमें एक आज थी, एक भरोसा था कि हमें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो खुशियाँ लुटाएंगे मोदी साहब, लेकिन मोदी साहब के मुंह से ऐसी कोई बात निकली नहीं कि जम्मू कश्मीर के हित में बात होती। क्योंकि जैसे हमारी स्टेट थोड़ी थी, हम चाहते कि चलो स्टेट का ही होता। आज डेली वेजर देखो रोडों पे कैसे उनकी हालत, पुलिस वालों के डंडे खाए उन लोगों ने, गर्मी में इतनी गर्मी सह रहे हैं लोग कि उनके लिए भी कुछ नहीं किया। हमने कहा हमारी जो बिजली पानी का जो बिल हमारा गरीब लोगों के लिए माफ़ किया जाए, हमने भी रोडों पर प्रोटेस्ट किए, बाकायदा हमें अरेस्ट भी किया गया था उस टाइम, तो हमने यही डिमांड की थी कि ये मोदी साहब कुछ ना कुछ। एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का सातवें दिन भी प्रदर्शन जारी। बोले डीपीसी कराने और एचआर जैसे मुद्दे अभी भी नहीं हुए हल, जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान करने की लगाई गुहार। एसोसिएशन की स्ट्राइक का सातवां दिन है आज। पूरे J&K में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो सात दिन से बंद हैं, और हम लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है हमारा एचआर इशू, जो CAC रिकमेंडेशन के तहत इन्होंने नोटिफिकेशन निकालनी थी UT गवर्नमेंट ने, आज तक वो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है। जिसमें था कि एम्प्लॉइज़ को ऑप्शन देना था इन्होंने कि वो UT में रहेंगे या सेंट्रल EPFO में मर्ज होंगे। आज तक जो हमारी UT गवर्नमेंट है वो सोई हुई है, नीचे से रिकमेंडेशंस गई हैं लेकिन वो बिल्कुल भी जो फाइल हैं वो नहीं चलाते हैं, वो नहीं उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। हमारे जो अब इन्होंने पेंशन जो मेरे हमारे साथ पेंशनरी हैं वो भी स्ट्राइक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अरैना ने पीएम की रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों का जताया आभार। बोले सरकार की कार्यप्रणाली से खुश लोगों ने रैली में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, और प्रधानमंत्री ने भी देश के खजाने से दिल खोलकर दिया जम्मू कश्मीर को पैसा। इसे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए दिल खोलकर काम किया है, और दिल खोलकर हिंदुस्तान के खजाने से पैसा जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए भेजा है। मैं मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, कोटि-कोटि नमन करता हूं मोदी साहब को, जो उन्होंने एक नया जम्मू कश्मीर, एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर और एक स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प लिया है और उस पर कार्य शुरू किया है। साथियों, मैं पुनः एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का।
पीओजे के डीपी फ्रंट ने पीएम के दौरे को लेकर नाराजगी की व्यक्त। बोले, पीएम के दौरे से जो उम्मीद थी वह सब निराशा में बदल गई, नहीं किया गया उनकी किसी भी समस्या का समाधान। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? सब के आगे झुकना पड़ेगा, सब के आगे झुकना पड़ेगा, सब के आगे। मैं कैप्टन जसबीर सिंह चिप, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपी फ्रंट, आज हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और वो डीपीज को कुछ गिफ्ट देंगे, लेकिन वो हमारी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ा एक दल है पीओजे के डीपीज फ्रेंड या जितने भी लोग डीपीज हैं उनके बारे में उन्होंने एक भी बात नहीं की, हमें बहुत दुख हुआ। जीएमसी जम्मू द्वारा क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू की दिशा में हो रहे प्रयास, इसी के तहत बन तालाब में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का किया गया उद्घाटन। इस दौरान मेयर, डिप्टी मेयर सहित अन्य भी रहे उपस्थित। वार्ड नंबर 63 में केरन में हमारा गार्बेज ट्रांसफर कलेक्शन सेंटर है, वो जहां बनके तैयार हो गया था उसका आज मुहूर्त किया है। लगभग ये वाला जो हमारा स्टेशन है ये 26 लाख का बना है, इसको साथ में नाला था, एक प्रोडक्शन बाल भी हमने देनी थी। ऐसे ही शहर में आज 7, 8, 9 हमारे बन गए हैं। हमारा टारगेट है ऐसे स्टेशन 17 स्टेशन हम बनाएं, यहाँ गार्बेज हमारे जो ऑटो लाते हैं वो वहाँ लाएँ और आगे कंपैक्टर लगे होंगे हमारे, ऑटोमेटिकली वो गार्बेज सारा कूड़ा जो है कंपैक्टर में चला जाएगा। जब कंपैक्टर फुल हो जाएंगे तो गाड़ी आएगी, हमारा क्रेन आएगी, उस हुक से उसको उठा के भरा हुआ ले जाएगी, खाली वहाँ रख जाएगी। इस तरह का ये जो ग्रीन जम्मू, जो क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वच्छ जम्मू के बारे में। निगम चेयरमैन राजकुमार तरखान ने वार्ड नंबर 38 में बांटे डस्टबिन, लोगों से घरों का कचरा खुले में ना फेंकने की अपील। कहा, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए कचरा ना फेंके खुले में। जो स्वच्छ वार्ड स्टैंडिंग कमेटी की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं मैं ये समझता हूँ अगर इसी तरीके के साथ चलते रहें, काम करते रहें और जम्मू जो है बिल्कुल साफ सुथरा ही होगा, क्योंकि इसमें एक बात जरूर है, जितनी देर पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा इतनी देर हमारा जम्मू साफ सुथरा नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा जहाँ से भी अपील करूँगा कि प्लास्टिक मुक्त जम्मू को बनाने के लिए आप लोगों का बहुत ही सहयोग जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ये प्रण लें, ये शब्द ले लें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है हम अपने घरों में ना करें। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू द्वारा मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे। इस दौरान डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस ने मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस रैली के माध्यम से लोगों को मलेरिया के प्रति किया जाएगा जागरूक। और इस दिन ये हर साल मनाया जाता है, इस दिन हम क्या करते हैं अवेयरनेस एक्टिविटीज तो हमारी थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है मलेरिया की, लेकिन इस दिन हम ये एक्टिविटीज थोड़ी एनहेंस करते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं थ्रू मास मीडिया कैंपेन्स, ठीक है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो हम ये एक्टिविटीज थोड़ी एनहांस करते हैं इस दिन। जैसे कि आपने देखा अभी हमारे डायरेक्टर सर ने नीचे से वो रैली फ्लैग ऑफ की, मलेरिया रथ को फ्लैग ऑफ किया, ये पूरे जम्मू के अर्बन एरिया से होता हुआ जाएगा, इंदिरा चौक से होता हुआ, हरी मार्केट से होता हुआ, रघुनाथ बाजार, अंगफला, करण नगर, बक्शी नगर, केनाल रोड, सबको कवर करेगा, त्रिपुरा नगर, और फिर ये वापस आएगा। इसमें माइकिंग के सिस्टम के थ्रू हम पब्लिक को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग मलेरिया। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।